हाँ जी दोस्तों, मैं आपको अलग अलग वीडियोस में इसलिए अपने सारे अलग अलग प्लान्स दिखा रही हूँ ताकि आपको सही तरह अपडेट्स भी इनके बारे में देख सकूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ देखने में और लाने में रहा है वो भी शेयर कर सकूँ। तो एक ही वाला प्लान मैं लेकर आई और मैंने इसको बहुत अपने अरीब करीब बेंगलोर के बाहर जो है और नर्सरियों पर देखा है और ये 12 महीने का है। और मैंने इसके बारे में ये भी काफ़ी जगह पढ़ा कि इसके अगर आप ये बहुत ह्यूज किस्म के हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े इसकी हाइट हो जाती हैं प्लांट्स की और इसके अंदर जो एक लाइट ग्रीन कलर में भी आता है उसकी भी। तो जितने भी इंडोर प्लांट्स कुछ ऐसे हैं कि जो बहुत ह्यूज ये वाले हो जाते हैं, तो अगर आप इनकी कटिंग्स काट के इन्हीं के अंदर से अगर झुक रही हो शाखें बहुत और आप इनकी कटिंग्स काट के इनकी लगा दें तो उससे भी ये रीग्रो फिर से हो जाते हैं अगर आप नया पॉट बनाना चाह रहे हैं। तो इस वजह से मैंने जो बहुत इन पर सर्च किया और बहुत इन्हें पढ़ा तो मैंने ये सोचा कि मैं ज़रूर एक्सपीरियंस करूँगी और फिर आपसे भी शेयर करूँगी कि वाकई जो कुछ हम और जगह पर इतनी हर कोई बोल रहा है कि ये रीग्रो हो जाते हैं बस आसानी से, जैसे कि आपने ये वैसे इसकी कटिंग काट दी यहाँ से और फिर उसके बाद इसको रीग्रो करेंगे ना एक अलग पॉट में तो ये चल जाएगा। तो मैं ये सारे एक्सपीरियंस करना चाह रही हूँ ताकि अगर मैं कामयाब हो गई तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी और आपको भी बताऊँगी कि हमें क्या ज़रूरत है। फिर हम इतने महंगे महंगे एकदम बड़े प्लांट ले लेते हैं, फिर हम छोटा प्लांट लें ताकि उससे फिर हम खुद ही ढेर गमले बना सकते हैं। तो ये मैं ज़रा काफ़ी सारे पौधों पर इस टाइम मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो वो मैं ज़रा देख लूँ कि वो किस हद तक होता है कामयाब और फिर आपसे शेयर किया जाएगा। वो मैं आपको अपने हर एक्सपीरियंस में साथ साथ रखती हूँ तो ये क्यों नहीं। और एक वो अभी मैंने आपको बताया ना कि मैं ये वाला जो प्लांट लाई हूँ इन सब के मैं आपको नाम भी बताऊँगी कि इन सब के नाम क्या हैं क्योंकि नर्सरी वालों को नहीं पता होते जब हम उनसे लेते हैं इनके नाम। तो ये मैंने पानी में लगाया हुआ इनको और मैं जो मैंने पढ़ा है इनके बारे में कि इनको आप पानी में भी लगा दें तो इनकी मनी प्लांट का जड़ें आ जाती हैं बहुत जल्दी, फिर आप इनको लगा सकते हैं कहीं नए पॉट में। तो वो मैंने इनको देखिए पानी में लगाया हुआ है और मैं देख रही हूँ कि ये जड़ें आती हैं कि नहीं। तो अभी इनको सिर्फ एक दिन हुआ है तो देखते हैं कितने दिन इनकी जड़ें आती है और आती भी है कि नहीं। तो जैसी भी होगा मैं वो आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। ठीक है।